गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 यूनिट 8 एक्सरसाइज 8.1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 रहा था है 3 cot a = 4। मुझे क्या करना है, मुझे tan की वैल्यू निकालनी है, वो इसमें पुट करेंगे और cos और sin की इसमें पुट करेंगे, फिर चेक करेंगे दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है। तो दोबारा लास्ट टाइम के जैसे ही टी राइट कर लिया एज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो कॉट क्या होता है, ये होता है पर इसका हम टैन का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट है। तो पर जैसे ही कॉट की टर्म आती है तो कॉट को हम लिखेंगे कैसे, ये 4/3। लास्ट टाइम भी बताया था कि जो 3 है वो 4 के नीचे जाएगा, तो कॉट क्या रहता है, कॉट होगा पी ओवर बी। अब P की वैल्यू और B की वैल्यू राइट कर रहे थे, P की वैल्यू 4, B की वैल्यू 4, P की वैल्यू 3, तो आ गया एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर बी का स्क्वायर। लिखा एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर। वैल्यू निकालने के लिए H की वैल्यू निकालनी है, तो P का जो स्क्वायर रहता है वो 3 का स्क्वायर हो गया और बी का 4 का स्क्वायर। तो 9 + 16 आया, दैट इज 25 अंडर रूट। एच की जो वैल्यू आ गई वो 5, एच की वैल्यू कितनी आई 5। जैसे ही एच की वैल्यू 5 आई तो मैंने क्या निकालना है वो दिख रहा हूं, मुझे निकालना है साइन कॉस और टेन चाहिए। तो साइन होता है पी ओवर एच, पी की वैल्यू कितनी है 3 बाय एच की वैल्यू आ गई 5, कॉस बी ओवर एच है, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 4, एच की वैल्यू 5, टेन पी ओवर बी। तो पी की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, बी की गिवन थी, तो हमने लिख लिया 3/5। अब मुझे इसमें डालनी है वैल्यू, तो मैं डायरेक्टली इधर ही आ रहा हूं। तो हमने वैल्यू पुट किए तो टेन का वैल्यू थी 3/4, तो मैंने लिख लिया 3/4 का स्क्वायर 1 + 3/4 का स्क्वायर। यहां कॉस था स्क्वायर में तो कॉस होता है 4/5 का स्क्वायर, तो 4/5 का स्क्वायर। साइन होता है 3/5 का, 3/5। ये सारा मिटा रहा, वैल्यूज पुट हो गए हैं। देख लो 1 लिखा माइनस 9/16, 1 लिखा प्लस 9/16, और इधर 16/25 आया एंड 9/25। एलसीएम लिया 16 - 9/16, 16 + 9/16, तो ये तो 25 एलसीएम 16 - 9। अब ध्यान देंगे, हमने लास्ट टाइम पढ़ा अगर ऐसे 16 मिले तो कट जाता है, बचा क्या 7/25, दैट इज 7/25। तो ये राइट था, इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो बराबर ही आते। तो हमारे पास अब इसी का जो नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन रहता है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में टेंजेंट A इक्वल टू 1/√3 दिया है और राइट एंगल एट बी रहेगा, तो राइट एंगल कितने में रहेगा, राइट एंगल एट बी, बाकी कुछ नहीं दिया है। तो बोला कि जो ट्राइंगल है वो एबीसी है, ट्राइंगल कौन सी थी, सॉरी ये ट्राइंगल लिखा ही नहीं, ट्राइंगल
ए बी सी लिखा है। ट्राइंगल एबीसी में टैन रहता है वो 1/√3 और राइट एंगल बी क्यू। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल ही बनाता हूं, मैंने बना ली राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में मेरे पास राइट एंगल बी के ऊपर है, मुझे ए यहां लिखना है क्योंकि टैन ए है और सी ऊपर और पॉइंट्स कोई नहीं है। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, साथ में टेबल भी बना लेते हैं। टेबल बन गया। टेन का केस है तो टेन के केस में पी ओवर बी होता है, तो पी की वैल्यू 1 रहेगी और बी की वैल्यू √3। अब तो सिंपल सी बात है, मुझे एच ही निकालना है। एच निकालने के लिए मैं दोबारा पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। तो एच एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे ही एच स्क्वायर की बात आती है तो एच अब नहीं है, एच की जगह पे एच ही आएगा और पी की जगह 1 और बी की जगह √3 का स्क्वायर एक कट गया, 4। एच की वैल्यू 2 आ गई। एच की वैल्यू कितनी आई? 2। जैसे ही एच की वैल्यू हमारे पास 2 आई तो अब हमारे पास फर्दर दो केसेस रहते हैं। तो फर्स्ट केस राइट कर रहा हूं मैं, एच की वैल्यू आ गई 2। इसी में नाइन्थ में दो केसेस रहते हैं, फर्स्ट जो है वो है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। बस राइट कर लिया। अब दोबारा से ये तो डायग्राम सिर्फ ए वाले के लिए थी, मुझे तो डायग्राम अब किसके लिए निकालनी है, साथ में सी वाले के लिए भी निकालनी है। तो वो क्या रहा है, मुझे वैल्यू चाहिए कॉस ए और साइन सी। तो साइन ए और कॉस ए मुझे ये वाले डायग्राम ही मिले देगी। पी ओवर एच होता है साइन और जो कॉस होता है वो पी ओवर एच। तो पी ओवर एच आ गया 1/2 और कॉस बी ओवर एच लिखा तो बी √3/2 होगा, √3/2। अब आती है बारी सी की, तो सी के लिए साइन सी कॉस सी, दोबारा से वही लिखेंगे पी ओवर एच। भैया वो एंगल जैसे ही शिफ्ट हुआ तो सारे के सारे पॉइंट साथ साथ में शिफ्ट हो गए, समझ लो इधर सी आ गया इधर ए आ गया। तो जो सी के साथ ही शिफ्ट हुए पॉइंट वो साथ में जाएंगे, देखो क्या था, इधर ए था और इधर सी था, सी इधर आ रहा है तो बी सी, बी सी यहां पहुंच गया तो वैल्यू नीचे आएगी, वैल्यू कहां आएगी बी सी की तरह। अब बी ए हो गया 1/3 ऊपर और इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको जैसे मर्जी राइट। तो पहले दोबारा लिख लेते हैं, साइन सी आया तो पी की वैल्यू 1/3, एच की वैल्यू 2 और ये वाला 1/2, ये 1 बी एच 2। तो अब डायग्राम मिटा लेते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे इस वाले में। साइन ए था 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी था 1/2 प्लस कॉस ए है 1/√3/2 मल्टीप्लाई साइन सी है 1/√3/2, तो दैट इज 1/4 प्लस 3/4। आंसर निकाला 4/4, दैट इज व्हाट हमारा आंसर क्या आया, 1 आया। इसी का जो नेक्स्ट जो पार्ट है दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट के लिए दोबारा से तो दूसरे पार्ट में आ गया cos a cos c माइनस साइन ए साइन सी। तो अब कॉस ए है 1/√3/2 मल्टीप्लाई
कॉस सी है 1/2 माइनस साइन ए 1/2 साइन सी है 3/2 दैट इज 3/4 3/4 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू।